फ्यूचर वर्ब है, ठीक है। जैसे कोई कहने चलें, जैसे कि भाई अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, कर चुका होगा, या फिर भाई अगले साल शादी कर चुका होगा, तो इस तरह के सेंटेंस में चुका होगा ना, कोई एक चीज कुछ टाइम बाद वो फ्यूचर में आके कंप्लीट हो जाएगी, वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, मैंने आपको पहले पहले ही बताया था कि फ्यूचर टेंस में दो होते हैं, शैल और विल। तो इसमें अगर इसमें भी हम दोनों देखें तो आपको ज्यादा शैल है और विल है, लेकिन हम यूज करेंगे ओनली विल है। अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से चलना है तो शैल है भी आपको यूज करना पड़ेगा, और शैल है तो यूज किसके साथ होगा, आपका आई और वी के साथ। तो क्या आई आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस आपके क्या होते हैं, पहले फॉर्मूले से आते हैं। तो फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता ही यूनिवर्सल लॉ, अगर परफेक्ट टेंस होगा तो क्या होगा, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो अब पहुँचते हम सीधा, जैसे जैसे कि कहा जाए आपसे कि सपोज वह अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो इसका क्या होगा, ही विल हैव कंप्लीट, वो क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन नेक्स्ट ईयर। जैसे कल तुम बिल पे कर चुके होंगे, कल तुम बिल पे कर चुके होंगे, तो चुके होंगे इसमें क्या होगा आपका, यू विल हैव पेड द बिल, यू विल हैव पेड द बिल। इस तरह से आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव में क्या करना है आपको, नेगेटिव में आपको करना है बस बिल के बाद नोट लगानी है। बिल के बाद नोट लगानी मतलब ऐसे कि आपको जैसे सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा बिल के बाद नॉट, जैसे कि तुम कल बिल पे नहीं कर चुके होंगे, जैसे सपोज इसका क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव पेड द बिल, यू विल नॉट पेड हैव, यू विल नॉट पेड द बिल। तो बिल नॉट सॉरी यू विल नॉट हैव पेड द बिल, यू विल नॉट हैव पेड द बिल। अब आते हैं इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव में क्या होगा आपका, जो आपके हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ जाएगी, बिल्कुल आपका फ्रंट में। तो बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, जैसे क्या तुम कल बिल पे कर चुके होंगे, तो इसका क्या होगा, विल यू हैव पेड द बिल टुमारो, विल यू हैव पेड द बिल टुमारो। क्या तुम अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसका क्या होगा, क्या तुम अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो क्या होगा इसका, विल यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन नेक्स्ट ईयर। तो सिंपल सा है आपका, इसमें क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो विल हैव और शैल हैव में कंफ्यूज नहीं होना है आपका। विल हैव आप ऑल टाइम आप विल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन आप ट्रेडिशनल के हिसाब से चलोगे तो आप शैल भी यूज कर सकते हो, और शैल हैव का यूज होगा आपका आई और वी के साथ, बाकी सभी का किसके साथ होगा आपका सिंगुलर, बाकी जितने भी रहेंगे सबका होगा विल हैव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।